पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में टीबी रोगियों के खोज हेतु एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान 10 जून से 22 जून तक चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अभियान के सफल संचालन हेतु अंतर विभागीय सहभागिता एवं संवेदीकरण हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। इस अवसर पर डीएम ने बताया कि भारत सरकार व प्रदेश सरकार वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है तथा उसके लिए सभी संभव प्रयास प्रत्येक स्तर पर किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने समस्त प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर को निर्देश दिए हैं कि सभी टीबी रोगियों को नीचे पोर्टल पर नोटिफिकेशन अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी रोगियों का समय समय पर फॉलोअप करते रहें तथा इलाज पूर्ण होने पर सभी रोगियों का आउटकम भी नीचे पोर्टल पर अपडेट करें। बैठक में CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी CSC PSC के प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए CMO डॉक्टर SK तिवारी ने कहा, आज हम लोग बैठक है डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, इन सब पे हम लोग या टारगेटेड इंटरवेंशन ग्रुप रहे, वहाँ पे जाकर के एनआरसीज हैं जहाँ पे हमें देखते थे कि क्या वो मरीज को टीबी की संभावना जहाँ होती थी उसको इंटेंसिफाइड किया गया, उनके घर जा रहे हैं जहाँ पे हमें टीबी की संभावना मिल रही थी। एक्टिव केस फाइंडिंग स्ट्रेटजी चेंज, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 10 दिन में सर रीचिंग द लिस्ट जो कि एक्टिव केस फाइंडिंग को ये कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन एंड कंडीशन, नेक्स्ट पे समय पे रिपोर्टिंग हो जाए, कोई करेक्टिव एक्शन है, स्टाफ को केयर किया जाए, चूंकि वेदर इतना हार्ड। सर ये डिस्ट्रिक्ट का टीवी नोटिफिकेशन डाटा है भी, ये आई थिंक ऑन 4th आज टुडे 10 तो 7th जून का ये डाटा है। इस जिले में ध्यान दीजिए 199 पर लैक पर ईयर, इतने तो नोटिफाई हो गए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि ये सोचल रहा है चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, तभी हम टीबी केस नोटिफिकेशन को दिखाया जा रहा है। तो ये ड्रग सेल्स का डाटा है, उसके बाद भी स्टडी ये है मिनिमम 50% टीबी पेशेंट आर टेकिंग द ट्रीटमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। तो अगर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ये भी केस प्राइवेट सेक्टर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो भी नोटिफिकेशन हमारे पोर्टल पे आने मिनिमम, और इस साल का वही टारगेट आप देखेंगे 12 पे पहुंचे हैं, जबकि टाइम 5 महीने का बीता है सर, तो 40% टाइम हम पास कर चुके हैं, इसलिए हम लोग लेकिन टारगेट में हमारा 30% होंगे एक्टिविटी होंगे। मैं चाहूंगा आने वाले समय में तो इसमें सर एक ओनरशिप, पॉलिटिकल पर्सन को ओनरशिप की आपको मुझे चाहिए 6 महीने में एक बार फॉर्मेट भर के आप दे दो कि कितने टीबी के मरीज आपके गांव सभा में बेनिफिट। एक सिंपल फॉर्मेट में BHSND को यूज किया जाए सर, आई थिंक कि माइक्रो प्लानिंग में MOIC महोदय लोग इसमें थोड़ा सा फोकस करेंगे कि जो भी मिसिंग है वो सदस्य को दे दें, इफेक्टिव कितना हो रहा मैं उसमें नहीं जाऊँगा, हर महीने की मीटिंग हो पा रही है नहीं, लेकिन 6 महीने में या 3 महीने में एक बार अगर ये डाटा देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि सभी मिसिंग केसेस जो कम्युनिटी में ऑन एंड ऑफ या क्या क्वालिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो कि हमारी जिम्मेदारी है बीइंग अ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर, कि हम उसको इंश्योर कर पाएंगे। कंपाइलेशन मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एस फार में अगर जस्ट सिम्टोमेटिक इन द टीबी ट्रीटमेंट एंड आउटकम, अगर एक व्यक्ति टोबैको साथ साथ कंज्यूम कर रहा है स्मोकिंग का स्टेटमेंट एंड देयर आउटकम, तो इसको एक समझाने की पूरी गाइडलाइन है 35% और पांच चीजें लेके आ रहे हैं सर। आप लोगों ने काफी कुछ लेंथी डिस्कशन ट्यूबरकुलोसिस पर, इसमें 206 टीमें बनी हैं सर, 600 कुछ हमारे कर्मी लगे हुए हैं, सुपरवाइजर्स भी हैं, 83,000 लोगों का स्क्रीनिंग करेंगे। वो हम लोगों ने डेजिग्नेट कर लिया है कि किस ब्लॉक में कौन सा एरिया लेंगे, क्योंकि एक इसके प्रोग्राम पहले चल चुका था तो उन विलेज सबसे भी अभी हमारे WHO से WHO कंसल्टेंट डॉक्टर पाटी साहब ने पूरी डिटेल में बात की है सर कि हाउ कैन दे सर एलिमिनेट करना है 2025 तक। प्रधानमंत्री जी ने जैसे सर आयुष्मान भारत है, हेल्थ वेलनेस सेंटर है और ट्यूबरक्लोसिस, ये 3 पॉइंट काफ़ी जोर से हम लोगों को देखना होगा। एक्टिव केस फाइंडिंग ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोगों ने आज 10 तारीख से 22 तारीख तक एक अभियान के रूप में शुरू किया है, और इस अभियान के दरमियान हम यहाँ गोरखपुर की
तकरीबन 483,000 पॉपुलेशन को स्क्रीन करेंगे कि उसमें कितने टीबी के मरीज़ मिलते हैं। यदि कोई कि टीबी का लक्षण वाला पाया जाता है तो हम उसकी पूरी जांच करते हैं, सीबीटी मशीन से भी करते हैं, बलगम से भी करते हैं, और जांच करने के बाद अगर पाया जाता है तो निःशुल्क उसका पूरे टाइम इलाज करते हैं, और जिसको कि फॉलो भी किया जाता है आशाओं के द्वारा, सुपरवाइजर्स के द्वारा। इस अभियान के दरमियान हमने सुपरवाइजर्स भी लगाए हैं कि जो हमारी टीमें जा रही हैं वो ठीक से काम कर रही हैं, लोगों के घरों पे जा रही हैं, ढूंढ रही हैं कि नहीं ढूंढ रही। इसमें भी कहा है कि VHND सेशन पे और स्कूलों में इन बातों का ध्यान रख के नोटिफाई कराएं कि किसको लंबे समय से खांसी आ रही है, लंबे समय से बुखार आ रहा, किसका वज़न गिर रहा, किस बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, बुखार आ रहा है, वो संभावित रोगी हो सकता है टीबी का। तो चूंकि प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि 2025 तक भारतवर्ष को टीबी मुक्त करना है, और उस लक्ष्य के सापेक्ष हम लोग ACF के कई प्रोग्राम चला चुके हैं। ये ACF का अगला प्रोग्राम ये चल रहा है जिसमें हम ये खोजी अभियान करके टीबी के मरीजों को पकड़ेंगे, उनकी जांच करेंगे और उनका इलाज करेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को उनके अध्यापकों द्वारा इस बारे में जागरूक किया जाएगा, हमारी टीमें भी वहाँ जाएंगी। वैसे भी हमारी RBS की टीम प्रत्येक माह शेड्यूल के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों लक्षणों के बारे में भी बताते हैं, और कोई लक्षण पाया जाता है तो उनको सैटरडे को रेफर करके उसकी